नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ममता बनर्जी जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, उसको लेकर अब कुछ सवाल उठने लगे हैं। पूछा जाने लगा है, क्या ममता बनर्जी जिस तरह की उग्रता दिखा रही हैं, जिस तरह का जुझारूपन दिखा रही हैं और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकराने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो रास्ता ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी के बिछाए जाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिछाए जाल में फंसती जा रही हों और इस पूरे चुनाव को वो मोदी बनाम ममता बना दे रही हों और इसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या ये स्ट्रेटजी ममता बनर्जी की सही है? क्या इससे उनको नुकसान होने जा रहा है? ये सवाल हैं जो हाल के जो टकराव हुए हैं और खासतौर से चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को जिस तरह से उन पर प्रतिबंध लगाया 24 घंटे का, और उसके बाद ममता बनर्जी ने धरना देकर और बयानबाजी करके जो कुछ किया, उससे ये प्रश्न उठ रहा है। ये एक हद तक जायज हो सकता है, सही हो सकता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा हो, ममता बनर्जी को टारगेट कर रहा हो, उनकी पार्टी को टारगेट कर रहा हो और चुनाव में वो अंपायर की बजाय एक खिलाड़ी की तरह बीजेपी की तरफ से खेल रहा हो, ये लोगों को दिख रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं है, वो बेईमानी कर रहा है एक पक्ष के साथ। लेकिन सवाल उठता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक समझदार संतुलित नेता की रणनीति क्या होना चाहिए? क्या वो अपने विपक्षियों द्वारा, अपने विरोधियों द्वारा बिछाए जाल में फंस जाए, अपने अहंकार की वजह से, अपने व्यक्तिगत जो खामियां हैं उनकी वजह से, क्या ये समझदारी होगी? यही वो सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। मुख्य रूप से ये देखना चाहते हैं कि ममता बनर्जी का जो चुनाव अभियान है वो क्या कहता है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है और क्या कहीं ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अब बहुत चिड़चिड़ा गई हैं और उकसावे में आकर ऐसी चीजें कर रही हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी पिछले 2-3 सालों से लगातार ऐसे काम कर रही है, इस ढंग से वो अपने चुनाव अभियान को चला रही है बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए, ताकि ममता बनर्जी भड़के। जो पूरा उसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल था वो पहले दिन से शुरू हो चुका था, यानी जब उसने तय किया था करीब 3 साल पहले कि अब वो बंगाल की सत्ता को हथियाने की पूरी कोशिश करेगी, उसी दिन से उसका ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का अभियान तेज हो गया था और ममता बनर्जी की एक छवि इस तरह की बनाने की कोशिश की गई थी कि वो मुस्लिम परस्त हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं और हाल में जब उन्हें ममता बेगम कहा जाने लगा तो आप इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वो सांप्रदायिक राजनीति किस तरह से पूरे बंगाल में बिछाई गई थी और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया गया। पूरे चुनाव अभियान के दौरान लगातार उन पर इसी अंदाज में अटैक किए गए। ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी रहेंगी तो वो न दुर्गा पूजा मना पाएंगी, न रामनवमी मना पाएंगे, ये हिंदुओं को उकसाने के लिए किया गया। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी एक तरह से डिफेंसिव करने के लिए किया गया। ममता बनर्जी ने इससे निकलने के लिए चंडी पाठ और तमाम तरह की चीजें की, अपना गोत्र भी बताया। ये सब बीजेपी के जो दांव पेच हैं ये उसका परिणाम था, यानी ममता बनर्जी वही करती चली गई जो बीजेपी चाहती थी। बीजेपी जिस तरह से चाह रही थी कि ममता बनर्जी रिएक्ट करें उसके उकसाने पर, वो वही कर रही है। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दीदी ओ दीदी, दीदी दीदी करके, ये हालांकि एक प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ओछे किस्म की राजनीति है, बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की जो राजनीतिक शब्दकोश है उसमें ये शब्द नहीं है। वो चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, और हम पिछले कई चुनावों में लगातार देखते रहे हैं कि किस तरह से पुलवामा को भी वो भुनाने से नहीं चूके थे और
जो सांप्रदायिक जुमले हैं तरह तरह से वो गढ़ते रहे हैं विभिन्न चुनावों में। ये और बात है कि चूंकि चुनाव आयोग अपना था, चुनाव आयुक्त अपने थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कभी हुई ही नहीं। और जब जो पिछले चुनाव आयोग में एक सदस्य थे लवासा, और उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें किस तरह से दंडित किया गया ये हम सब जानते हैं। तो चुनाव आयोग की भूमिका पर भड़कना ममता बनर्जी का सही हो सकता है, लेकिन वो ये तो जानती हैं कि चुनाव आयोग किस भूमिका के साथ काम कर रहा है, उन्हें इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ममता बनर्जी को ये पता है कि बीजेपी हमेशा निगेटिव कैंपेन के जरिए ही मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती है, उनका विभाजन करती है, उनका ध्रुवीकरण करती है। और इस निगेटिव कैंपेन की शुरुआत बंगाल में बहुत पहले हो गई थी, तो क्यों नहीं ममता बनर्जी इसे भाप पाई और उन्होंने अपनी रणनीति को उसके हिसाब से ढाला। वो बीजेपी के कहने पर या रिएक्ट करके उस पर रिएक्ट करने के वजह से बार बार उरस्ती चली गई, फंसती चली गई। इस मामले में एक उदाहरण दिल्ली का लेना ठीक होगा कि किस तरह से दिल्ली में भी बीजेपी ने यही करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सब ने इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को उकसाने की, भड़काने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने रिएक्ट नहीं किया, उनकी पार्टी ने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अपने तरह का चुनाव प्रचार करते रहे। और हाँ, उन्होंने इतना जरूर किया कि जो हिंदुत्व को लेकर उनको हिंदू धर्म में आस्था को लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, उसके जवाब में उन्होंने हनुमान चालीसा वगैरह का जो प्रपंच है वो जरूर किया, लेकिन उन्होंने बीजेपी के पिच पर खेलने से मना कर दिया, जबकि ममता बनर्जी लगातार उनकी पिच पर खेलती रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी की अपने व्यक्तित्व में ही कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से वो बीजेपी के जाल में फंसती चली गई। ये बीजेपी उनकी इस कमजोरी को जानती थी। बीजेपी एक विपक्ष में नेता रहते हुए ममता बनर्जी जो करती थी वो तो उस समय उनके लिए लाभप्रद साबित हुआ, क्योंकि जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी उससे जूझने के मामले में वो अग्रणी रही और उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी और वो अंततः उस सरकार को हटाकर अपनी पार्टी की सरकार बनाने में सफल भी हो गई। लेकिन एक विपक्ष की राजनीति अलग होती है, और जब आप शासन कर रहे होते हैं, जब एक राज्य एक सूबे को आप चला रहे होते हैं या देश को चला रहे होते हैं, तब आपसे ज़्यादा समझदारी संतुलन की उम्मीद की जाती है। आप बात बात पर भड़कते नहीं हैं, आप अहंकारी नहीं बनते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के मामले में ये बार बार दिखा कि वो भड़कती बहुत ज़्यादा हैं और एक तरह का उनमें निरंकुशता भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ही पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं जो उनकी आलोचना करते रहे हैं। तो ये उनकी व्यक्तिगत कमजोरियां थी और एक अहंकार था जो वो दूसरे की किसी की भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर रही थी। और इसकी वजह से जब आपकी कोई आलोचना होती है और आप भड़कती हैं तो दूसरे पक्ष को एक एडवांटेज मिल जाता है जो बीजेपी को लगातार मिलता रहा। तो ये बीजेपी का बिछाया हुआ जाल था, मोदी शाह ने बड़े अच्छे से आगे बढ़ाया और ममता उसमें ऐसा लगता है कि फंस गई हैं। अब वो अतिरेक की राजनीति कर रही हैं, चुनाव आयोग से तूतू मैं दैनिक आधार पर हो रहा है, और जो धरना दिया या चुनाव आयोग के बारे में उन्होंने जो कहा हम सब जानते हैं, चुनाव आयोग के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें एक राज्य का प्रमुख होने के नाते थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए थी, उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए था। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं वहाँ? क्या प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को बीजेपी की इस रणनीति के बारे में नहीं बताया, नहीं समझाया? उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल को भी अपनी राय दी थी, उनके रणनीतिकार बने थे और उनको बीजेपी के पिच पर खेलने से मना किया था और उसकी सफलता अरविंद केजरीवाल को मिली थी। क्या ये नुस्खा उन्होंने ममता बनर्जी को नहीं दिया? जरूर दिया होगा, लेकिन चूंकि जैसा हम बता चुके हैं ममता बनर्जी
एक अलग किस्म की नेता हैं, उनमें वो लचीलापन नहीं है, वो परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति को बदलने का मादा वो नहीं रखती हैं, वो एक अड़ियल किस्म की अतिरेकवादी नेता हैं, और वही अंदाज उन्होंने अपनाए रखा और जिसका नतीजा आज वो भुगत रही हैं। और ये सवाल उठता है कि ये जो कुछ हो रहा है उसको क्या वो उससे बच सकती थी उनका, अगर वो इन नेताओं के बयानों की अनदेखी करती या उनका दूसरे तरह से जवाब देती, कभी हंसकर, कभी मुस्कुराकर, कभी तंज करके, ना कि इस तूतू मेमे में प्रधानमंत्री या दूसरे नेताओं के साथ उलझकर अपने कद को और अपने व्यक्तित्व को छोटा करती। इस पूरे दौर में वो कोई हो सकता है कि अपने अनुयायियों के दिमाग में उनकी एक जुझारू छवि और मजबूत हुई हो कि खेला में खेला होवे तो खेला में उनकी टांग भी टूटी तो वो उसको भी एडवांटेज में सहानुभूति बटोरने के लिए इस्तेमाल करने लगी, और लगातार उन्होंने उग्र तेवर अपनाकर एक इस तरह से दिखाया कि वो बहुत जुझारू नेता हैं, और प्रधानमंत्री हो या बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी हो, धन शक्ति से, मीडिया शक्ति से संपन्न हो, उससे भी लोहा लेने के लिए बिल्कुल जी जान से तैयार हैं। तो ये छवि उनकी कितनी काम करेगी, मजबूत हुई है लेकिन कितना काम करेगी, कितना उसका पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वो बीजेपी और मोदी के ट्रैप में फंस गई हैं, वो उसी के अनुसार व्यवहार कर रही हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे मतदाताओं को ये अटपटा लग रहा हो, ज़्यादती लग रही हो। अब अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बहुत बोलते हैं, उनको कान पकड़कर उठा बैठक लगाना चाहिए, लगवाई जानी चाहिए, तो ये इस तरह के बयानों से जो थोड़ा सा मॉडरेट किस्म के मतदाता होते हैं, जो संतुलन चाहते हैं राजनीति में, वो उनसे फिर हटने लगते हैं। तो ये एक नुकसान हो सकता है। और जो जिस तरह से वो अपने हिंदूपने का दिखावा करती रही हैं, उससे जो बीजेपी समर्थक हैं उनके हौसले और बुलंद होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देखो अब ममता बनर्जी को हमने यहाँ तक ला दिया कि उन्हें चंडी पाठ करना पड़ रहा है, अपना गोत्र बताना पड़ रहा है। तो ये बीजेपी अपनी विजय के रूप में भी अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को इसका संदेश दे रही होगी, और ये निश्चित रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो फिलहाल तो ये लग रहा है कि ममता बनर्जी मोदी के जाल में फंस गई हैं, और इसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ सकता है। कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, ये इसका आकलन करना अभी मुश्किल है। लेकिन चूंकि ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की पिच पर खेल रही हैं, इसलिए बीजेपी के पिच पर खेलना यानी बीजेपी को एडवांटेज देना है, और उसका फायदा उसे मिल सकता है। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को अपनी राजनीति को फिर से सोचना चाहिए, अपनी रणनीति को, चुनावी रणनीति को, चार दौर की जो मतदान रह गया है उसके लिए फिर से सोचना चाहिए, और थोड़ा संतुलित संयमित नेता के रूप में आगे के चुनाव प्रचार को हैंडल करना चाहिए, वरना बीजेपी इसी उग्रता के साथ उन्हें उकसाती रहेगी और वो रिएक्शन में अपनी छवि को और भी विकृत करती रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का डेली शो। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इसे बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूंगा एक और डेली शो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।